नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको सरसों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप इस सीजन में सरसों की कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। तो इसके लिए मैंने कुछ हाई क्वालिटी की जो वैरायटी हैं वो ले रखी हैं, जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका जो उत्पादन है लगभग इटावा ज़िला में, इटावा ज़िला है, मैनपुरी है, जालौन है, कन्नौज है, भिंड है, ग्वालियर है, औरैया है, तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो 3 क्विंटल पर बीघा है। यानी कि एक बीघा जो खेत होता है, जो 20 बिसे खेत है, उसमें 3 क्विंटल तक सरसों निकलेगी। यदि आप अच्छी तरह से खेत की देख रेख करते हैं और उसमें कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो लगभग 3 क्विंटल सरसों निकल आता है एक बीघा में। तो सबसे पहले ये पायनियर का जो सरसों है ये बहुत फेमस है दोस्तों। इसका जो 45S46 जो नंबर है, इसका 3 क्विंटल बीघा रहता है, ये लगभग 3 क्विंटल बीघा निकलेगा। और इसमें अगर तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 41-42% इसमें ऑयल होता है। पौधे की लंबाई की बात करें तो ये 5-6 फुट बढ़ता है, पौधा है जो प्लांट होगा, जो पौधा है सरसों का, पायनियर का 45S46 का, ये 5-6 फुट बढ़ता है। पूरी समय की ये फसल है, यानी कि ये पूरा समय लेती है पकने में, 140-45 दिन लेती है। सरसों में एक वाइट रस्ट लग जाता है, यानी कि सफ़ेद चित्ता रोग। तो ये जो वैरायटी है पायनियर की 45S46, ये उसके प्रति प्रतिरोधी है, मतलब इस सरसों में ये सफ़ेद चित्ता रोग होता है वो नहीं आएगा। अगर इसके दाने की बात करें तो उसका दाना बोल्ड होता है, बड़ा बड़ा दाना है, दाने का साइज काफ़ी अच्छा है, और ये काली सरसों है। अगर इसकी हम दूसरी वैरायटी की बात करें 45S42 की, तो ये भी लगभग उसी की तरह है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो 2.5 क्विंटल बीघा रहता है। इसका जो 45S42 का जो उत्पादन है वो 2.5 क्विंटल बीघा रहता है, जबकि 45S46 का जो उत्पादन है वो 3 क्विंटल बीघा रहता है। अगर सही तरीके से मौसम रहता है, सब कुछ सही रहता है तो बता रहे हैं। और वैसे ये दोनों वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, बस इसका ये रेट ज़्यादा है, ये 900 रुपये किलो आता है, ये लगभग 700-750 रुपये किलो मिल जाएगा। तो रेट में थोड़ा सा अंतर है, साथ ही साथ उत्पादन में भी अंतर है। अब हम यहाँ पर कुछ दूसरी वैरायटियाँ भी दिखाना चाहते हैं। ये LG का 40201, LG की ये 40201 वैरायटी है, ये बहुत अच्छी उमदा वैरायटी है। यदि आप इसको लगाते हैं तो आपको लगभग 2.5 क्विंटल बीघा का उत्पादन मिलता है। ये भी विभिन्न प्रकार की जो रोग लगते हैं सरसों में उसके प्रति प्रतिरोधक होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की इसमें जो बीमारी है वो नहीं आती है। और इसका जो दाना है वो बोल्ड है, जैसे इसमें दिखाया गया है पैकेट में, इसका जो दाना है वो बोल्ड है। और इसकी अगर पौधे की लंबाई की बात करें तो 5-6 फीट तक ये हो जाता है, इसकी जो लंबाई है 5-6 फीट हो जाती है, बहुत अच्छी सरसों है। और नीचे से ही फलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि इसमें नीचे से ही फरा प्रारंभ हो जाता है। और यदि ये पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी अधिक रहती है तो ये नीचे से ही कल्ले फोड़ने स्टार्ट कर देती है, 2-3 फीट बढ़ने पर इसमें जो कल्ले हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और पौधा बहुत सघन हो जाता है। और इसकी जो फली होती है तो वो साधारण तरीके से चटकती नहीं है कि जैसे थोड़ा बहुत पानी बरस गया है, तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत सी सरसों ऐसी आती हैं जो तुरंत चटक जाती हैं, खेत में बेकार हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि ये चटकता नहीं है सरसों। इसके बाद एक और वैरायटी देख लेते हैं यहाँ पर, ये श्रीराम की वैरायटी है 1666। ये सभी हाइब्रिड सरसों हैं, ये भी बहुत अच्छा सरसों है 1666।
इसको भी आप लगाएंगे तो आप लगभग आपको 2 से 2.5 क्विंटल सरसों प्राप्त होगा एक बीघा में। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है और ये काली सरसों है। तेल की मात्रा की बात करें तो तेल की मात्रा सभी में 41 से 42% है। पौधे की लंबाई की बात करें तो 4 से 5 फीट होता है। पौधा हरे घरे गहरे हरे हरे रंग का होता है। दाने की बात करें तो इसका दाना बोल्ड होता है, यानी कि इसका दाना बड़ा होता है, बोल्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दाना बहुत ही अच्छा बोल्ड दाना होता है और काला होता है, बिल्कुल बिल्कुल काले कलर का होता है, बहुत बढ़िया दाना। तेल बहुत अच्छा होता है इसका, खाने में भी बहुत अच्छा है और उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है। पौधा गिरता नहीं है, पौधे में बहुत ज़्यादा सहनशीलता है। तो ये 4 हाइब्रिड वेराइटी हैं जिनको आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक देसी वेराइटी भी मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो देसी वेराइटी है, यदि आप खाने के लिए लगा रहे हैं अपने, तो आप देसी वेराइटी ज़रूर लगाएं। आप किसी भी कंपनी का देसी वेराइटी लगा दीजिए, देसी वेराइटी का थोड़ा सा उत्पादन कम रहता है, लेकिन इसका जो सरसों है उसका तेल बहुत स्वादिष्ट होता है। तेल खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसकी सब्जी बनवाएंगे इस तेल की, तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसमें स्वाद आएगा। क्योंकि ये देसी है तो देसी की बात ही अलग होती है, रिसर्च में आता है। और अगर दाने की बात करें तो ये बोल्ड होता है, पूरे समय की वेराइटी है, समय पूरा लेती है पकने में, कोई कम समय की वेराइटी नहीं है, बस ये देसी वेराइटी है। दाना इसका बोल्ड होता है, तेल की मात्रा 40% होती है। तो आप अगर खाने के लिए लगा रहे हैं तो कोई भी देसी वेराइटी लगा दीजिए, अगर उत्पादन के लिए लगा रहे हैं तो इनमें से कोई भी आप हाइब्रिड वेराइटी लगा दीजिए, उसमें से आपको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद।